कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। दिलचस्प है कहानियाँ, इबरत भी साथ है। दिलचस्प है कहानियाँ, इबरत भी साथ है। समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा। जिल्लत है बेईमान की, मुश्किल है गुजारा। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा। जिल्लत है बेईमान की, मुश्किल है गुजारा। दिलचस्प है कहानियाँ, इबरत भी साथ है। समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। ओहो बेगम साबरा, ओ बेगम साबरा, अरे भाई ये चिलम ठंडी पड़ गई है, थोड़े ताजे अंगारे ले आओ। जिंदगी भर आप हुक्का ही गुड़गुड़ाते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे हम? अल्लाह के लिए कुछ कीजिए, इस घर के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। अरे कम से कम ऐसा कुछ कीजिए कि एक वक्त का खाना खा सके हम लोग। खामोश, कुछ भी करना हम नवाबों की शान के खिलाफ है। और तुम एक नवाब से कह रही हो कि कुछ कर लीजिए, यानी हमें जलील कर रही हो। ये मत भूलो कि हम नवाब खानदान के फर्जंद हैं। खाक आप नवाब खानदान के फर्जंद हैं। आप एक सुस्त और निकम्मे इंसान हैं। ना आपके पास कोई नौकरी है और ना कोई मुलाजमत। आप निकम्मे हैं और सुस्त इंसान हैं। जाहिल औरत, हम नवाब नौकरी और मुलाजमत नहीं करते। तो फिर कुछ छोटा मोटा धंधा कर लीजिए। धंधा कर लीजिए? ला हौल विला कुव्वत। अरे अनपढ़ गवार, तुम एक अहले इल्म से ऐसी बेहुदा जबान का इस्तेमाल कर रही हो। धंधा कर लीजिए। अरे हम तुझे मीना बाजार की खानम नजर आते हैं। अब कोई भी बात कहीं भी ले जाते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि ऐसी जिंदगी कैसे चलेगी। शुक्र है अल्लाह का कि हमारी कोई औलाद नहीं, वरना उसे भूखा मरना पड़ता। अरे कमबख्त चैन से हुक्का भी नहीं पीने देती, अब यहाँ खड़े खड़े जबान दराजी करती रहेगी या चिल्लम में अंगारे भी भर के लेके आएगी। हुक्का ठंडा पड़ता जा रहा है। अल्लाह जानता है कि घर में एक पच्चर तक नहीं, और जो भी अंगारे थे आपके हुक्के के नजर हो गए। ना घर में कोई दाना है। बस बस, हर बार एक ही रोना रोती रहती हो। ये घर में खाने को नहीं है, खाने को नहीं है, तो अब क्या ये नवाब सड़क पे जाके भीख मांगे? जाओ अपना काम करो और मुझे परेशान मत करो। जाओ। फिक्र मत करो साबरा, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। अब सब्र नहीं होता, बिल्कुल सब्र नहीं होता। फाके करने की भी एक हद होती है। घर में जो भी खाना होता है उन्हें खिलाकर खुद भूखी सो जाती हूँ, लेकिन नवाब साहब है कि कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ साबरा। तुम सचमुच साबरा, साबरा यानी सब्र करने वाली साबरा। अल्लाह को सब नजर आ रहा है। इन दुख भरे दिनों को अल्लाह का इम्तिहान समझकर काट लो साबरा। मेरा दिल कहता है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल जरूर मिलेगा। लो पानी पी, मैं अभी आई। मैं जानती हूँ साबरा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। आज घर में पुलाव बनाया था, घर जाकर खा लो। तुम्हारे मुझ पर इतने एहसान है कि जिंदगी भर भी तुम्हारे एहसान चुका नहीं पाऊंगी। साबरा तुम मुझे क्यों शर्मिंदा करती रहती हो? इसमें एहसान कैसा?
खुदा ने मुझे जिस काबिल बनाया है बस मैं वही तुम्हारे साथ कर देती हूँ। पर मुझे ही क्यों, पूरे मोहल्ले को तुमसे हमदर्दी है, सभी को तुम्हारी हालत पता है। अब चुपचाप घर जाओ और खाना खा लो। शुक्रिया। साबरा आपा, अरे हसीना तुम, अरे वाह बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने, कहीं जा रही हो? साबरा आपा बिल्कुल फुर्सत नहीं है, मैं फिर कभी आऊंगी फुर्सत से आपसे बात करूंगी। वो तो अम्मी ने बोला तो मुझे आना पड़ा। कोई खास काम? हाँ कल अब्बू के कुछ खास मेहमान आ रहे हैं घर पे, तो अम्मी ने कहा कि अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनके कामों में हाथ बटा दे तो बर्तन माँज दीजिएगा। जरूर मैं जरूर आऊंगी, बल्कि मैं खुद तुम्हारे घर आने वाली थी, कुछ काम था तुमसे। हाँ हाँ कहिए, आप झिझक क्यों रही हैं? हसीना मुझे तुमसे कर्ज चाहिए था। बस इतनी सी बात, कल आकर अम्मी से ले लीजिएगा। वो मैं पैसे लेकर नहीं आई ना, वरना अभी दे देती। अल्लाह अब क्या करूँ, कर्ज भी कल के लिए टल गया, आज के लिए किससे मांगूँ? अच्छा आपा मैं चलती हूँ। गुलशन बहन, गुलशन बहन। अरे साबरा तुम अचानक इस वक्त, बताओ क्या बात है? गुलशन वो मुझे थोड़ा सा तेल और लकड़ियां दोगी कर्ज चूल्हा जलाने के लिए? घर में कुछ भी नहीं है, मैं वादा करती हूँ एक दो रोज में मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगी। कैसी बातें करती हूँ साबरा, तेल और लकड़ी की ही नहीं तुम्हें अगर अनाज की भी जरूरत है तो मैं तुम्हें वो भी दे दूँ, लेकिन तुम अल्लाह का वास्ता मुझसे वादा मत करना। गुलशन मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, इंशाल्लाह मैं एक दिन तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगी, मैं वादा करती हूँ। साबरा तुम किसके भरोसे पे झूठे वादे करती हो? अपने शोहर के भरोसे पे? साबरा सब जानते हैं कि तुम्हारे शोहर कुछ भी काम नहीं करते, वो निहायत ही निकम्मा इंसान है, सिवाय हुक्का पीने के और क्या कर सकते हैं, और तुम अपने शोहर के बल पे झूठा वादा करके कर्ज पे कर्ज ले जा रही हो। क्यों करती हो तुम ऐसे वादे जिन्हें तुम पूरा ही नहीं कर सकती? देखो साबरा मैं कोई अमीरजादी नहीं हूँ और ना ही मेरे घर में माल दौलत का पेड़ लगा हुआ है जो मैं रोज रोज तुम्हारी जरूरतें पूरी करती रहूँ। ये आखिरी बार है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, लेकिन आइंदा से मुझसे मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करना। तुम रुको मैं लाती हूँ। क्या शोरबा है, कुछ पता नहीं चल रहा कि शोरबे में पानी है या पानी में शोरबा। समझ में नहीं आ रहा है कि इसे खाया जाए या इसमें जस्ट लगाकर तैरा जाए। ना घी ना तेल, मसाले ना दारद, और ये रोटियां देखी पासे आटे की रोटियां, आधी कच्ची आधी पक्की, और किलमन जितनी पतली के रोटी के आर पार का नजारा देख लीजिए। मुंह में रखते ही ऐसा लगता है जैसे कि खपच्ची चबा रहे हैं। अब जो भी खाना मिला है अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लीजिए, सोहैब ना निकालिए, ये रिस्क की तौहीन है। बेगम साबरा मैं रिस्क की तौहीन नहीं बल्कि आपके फूहड़पन के जुमले कस रहा हूँ। अब खाना ऐसा बनाया जाता है आधा कच्चा आधा पक्का, उसमें लज्जत रोगन नाम की कोई चीज ही नहीं, जबान पे रखने की तबीयत ही नहीं हो रही। भाई इंसान हूं मैं, इंसान, और इंसान को ऐसा खाना खिलाया जाता है? कुछ तेल और लकड़ियां उधार लेकर आई थी तब जाकर ये खाना बना है, और आप है कि खाने की नाशुक्री कर रहे हैं। तो एहसान नहीं करती हो मुझ पर खाना बनाकर तुम, और खाना बनाने के अलावा तुम्हें घर में और काम है भी क्या? हाँ? वो भी तो ढंग से नहीं करती तुम, खाना बनाना तो दूर तुम्हें तो चूल्हा तक जलाना नहीं आता। अब देखो देखो इस खाने में से मिट्टी के तेल की महक आ रही है, ये खाना तो कोई जानवर भी ना खाए। अल्लाह अल्लाह करके तो ये खाना नसीब हुआ है, पता नहीं कल से मिलेगा भी या नहीं।
पता है आपको, मैं मोहल्ले से उधार लेकर आई हूँ तब जाके खाना बना। आपको कुछ पता भी है, पूरे मोहल्ले के कर्जदार हो गए हम। सारी औरतें मेरी शक्ल देखकर दरवाजा बंद कर देती हैं। मुझे तो कल की फिक्र हो रही है, पता नहीं खाना कैसे बनेगा। अरे मैंने तुम्हारे जैसी बेशरम औरत नहीं देखी, जब देखो मुंह उठाकर चली आती। आज तक कोई उधार चुकाया तुमने मेरा? मना किया था तुम कि बार बार हमारे सामने आकर हमें शर्मिंदा मत करना। अरे तुम्हारी मदद करते करते कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ जाए। बर्दाश्त करने की भी हद होती, अब सर पर ही खड़ी रहोगी क्या? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम फिर आ गई, सुबह दोपहर शाम जब देखो तब मुंह उठाए चली आती। तुम पड़ोसन हो या बेकारन हो? कभी तो हमें चैन से जीने दिया करो। मेरी बात मानो तो इस बार किसी से जहर उधार लेके खा लो, तुम्हें भी और तुम्हारे उस निठल्ले मियां को ना छुटकारा मिल जाएगा जिंदगी से। अरे उस दिन बर्तन धोने के बदले इतना सारा खाना दिया था, तब भी पेट नहीं भरा तुम्हारा। चूहे कला भाग्या खा रहे हैं। और ये मलका यालिया, ये सैर सपाटे को निकली हुई है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम कुछ तो बना के चले जा। आइए आइए आइए, कहाँ गुलछर्रे उड़ाती फिर रही हो? हवा खोरी से फुर्सत मिल गई ना? तुम्हें घर का होश है ना हमारा? इतना भी नहीं कि मैं घर पे बैठा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। रमजान शरीफ नहीं चल रहे जो रोजा समझ के दिन गुजार दूं। अब मलका आलिया को होश ही नहीं कि घर में शोहर भूखा बैठा है। हद हो गई लापरवाही की। और हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगी तो इस गुलाम के पेट में कुछ जाएगा, लेकिन नहीं, मलका आलिया तो सपाटे में लगी हुई है। अरे मैं पूछता हूँ कि खाना कब बनेगा? घर में अनाज रखा है आपने जो मैं खाना बनाऊं? आपको सिर्फ खाने की फिक्र रहती है, ये फिक्र नहीं रहती कि मैं खाने का इंतजाम करूं। अरे तुम्हें तो अपने निकम्मेपन और कायलपन के लिए चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। खुद तो इतनी हिम्मत नहीं कि हाथ पैर हिलाकर खाने का इंतजाम करो और बीवी से उम्मीद करते हो कि वो दर दर की ठोकरें खाए, भीख मांगे और तुम्हारे पेट की आग बुझाए। खामोश। मैं तो खामोश हो जाऊंगी, लेकिन हमारे पड़ोसी अब खामोश नहीं होने वाले। जिनसे मैंने कर्ज लिया है आपके नाम पे, वो लोग आपके पास आकर अपना कर्ज वापस लेने वाले। ये क्या कह रही हो? जो भी कह रही हूँ बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुमने उनका कर्ज नहीं उतारा तो वो लोग शहर कोतवाल के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करेंगे और तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे। जी हाँ, वो तुम्हें गिरफ्तार करवाने वाले हैं, क्योंकि अपना कर्ज वापस लेने के लिए उनके पास कोई सूरत भी तो नहीं बची थी। अगर कल तक हम लोगों ने उनका कर्ज वापस नहीं दिया तो जेल जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये क्या मुसीबत आ गई? कल तक मुझे सबका कर्ज अदा करना है, कहाँ से चुकाऊंगा मैं सारा कर्ज? अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो जेल जाने की नौबत आ जाएगी। नवाब गाजियुद्दीन, जेल जाने से बेहतर है खामोशी के साथ यहाँ से फरार हो जाओ। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं ना पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। मार देना उन सबके मुंह पे। रात गुजर गई, ये अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। अभी तक नहीं लौटे, लगता है पैसे का इंतजाम करके ही लौटेंगे। तू ही सबका पालने वाला
तू ही सबका वाली, ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली। तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे दरा मुँह खोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। ये भी भूखे निकल गए, मैंने भी कुछ नहीं खाया। शुक्रिया अल्लाह का, एक रोटी के लिए आटा तो मिला, ऐसी भूख के लिए फाके से कुछ राहत तो मिलेगी। अरे बेटी, भूखे को खाना खिला दे, अल्लाह तेरा भला करेगा। भूखे को खाना खिलाएगी? जरूर जरूर बाबा, आप आइए ना। अल्लाह, आइए बाबा, आइए ना, बैठिए। हक अल्लाह, बैठिए। हक अल्लाह। बाबा मैंने अभी रोटी बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। ला वही रोटी खिला दे, अल्लाह तेरी मुराद पूरी करेगा। जी। ये लीजिए बाबा, सालन अभी तक बना नहीं। सब जानता हूँ बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह सुभान अल्लाह, क्या लजीज रोटी है। अल्लाह ने अपनी हर नेमत में लज्जत रखी। या अल्लाह, इसने मुझ भूखे फकीर पर अपना करम फरमाया है, तू अपना करम इस पर। मैं पानी लेकर आती हूँ बाबा। ये लीजिए बाबा। फिक्र ना कर बेटी, वो परवरदिगार तेरी हालत देख रहा है। उस परवरदिगार की नजर में वो बंदे उसके बहुत अफजल होते हैं, जो खुद भूखे रहकर दूसरों की भूख मिटाते हैं। सब जानता हूं बेटी कि तू दो रोज से भूखी है, लेकिन दो दिन के फाकों के बावजूद तूने इस सवाली को अपने दर से खाली नहीं जाने दिया। अल्लाह तुझे इसका बहुत बड़ा अज्र देगा। ले इस तश्तरी को संभाल के रख, जिस तरह इस तश्तरी ने आज मेरी भूख मिटाई है, हमेशा तुझ पर मेहरबान रहेगी। और से सुन, जब कभी भी तुझे रुपए पैसों की जरूरत पड़े तो इस तश्तरी को 100 अशरफियां देने के लिए हुक्म करना, ये तश्तरी उसी वक्त हाजिर कर देगी। 100 अशरफियां? 100 अशरफियां। मगर याद रहे, एक दिन में एक ही बार इससे 100 अशरफियां मांगना। इससे ज्यादा अगर लालच किया तो ये तश्तरी बेअसर हो जाएगी और इससे हर हासिल की हुई चीज खाक हो जाएगी। अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो तेरी मदद करेगा। आज फकीर की बात ये मालिक, रहना जाए खाली, तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली।
तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंद जरा तू बो, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बो, अल्लाह अल्लाह बोल। हो सकता है कि फकीर की दुआ से अल्लाह ने इस तश्तरी को करामती तश्तरी बना दिया हो। मैं आजमा कर देखती हूँ। ए करामती तश्तरी, 100 अशरफियां हाजिर कर। लाख लाख शुक्र है माबूद, तूने मुझे मेरी गरीबी से निजात दे दी। समझ नहीं आ रहा है शाकिरा कि ये साबरा इतनी अमीर कैसे हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रातों रात इसके घर में कोई खजाना निकल के आ गया हो। पहले तो छप्पर से भी बदतर था इसका घर, और आज देखिए पूरे ठाट पाट के साथ रह रही है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये करिश्मा आखिर हुआ कैसे। अरे वो घर जिसकी हालत झोपड़े से भी बदतर थी, अरे जिस घर में टूटे फूटे बर्तन और फटे पुराने कपड़े हुआ करते थे, अब उस घर में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो बड़े बड़े अमीरों के घरों में नहीं होती। मुझे तो ये राज ही समझ में नहीं आ रहा, उसके पास इतनी दौलत आई कहाँ से। हाँ, और पता है उसने एक झटके में हमारा सारा कर्ज भी उतार दिया, और हमें ऐसे ऐसे कीमती तोहफे दिए जो कभी हम जिंदगी में नहीं खरीद पाते। हाँ वही तो, हमारे तो सारे एहसानों पर पानी फेर के रख दिया। न जाने उसके हाथ में इतनी माया कहाँ से लग गई, जबकि उसका शौहर तो कुछ महीनों से लापता है। हाय, मुझे तो ना इस बात का दुख हो रहा है कि हम उसे न जाने कैसी कैसी जलीकटी सुनाते थे, और वो बेचारी तो उफ तक नहीं करती थी। इसीलिए कहते हैं कभी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह के भेद अल्लाह ही जाने वो कब किसको नवाज दे। सच तो ये है वो बड़ी ही सब्र वाली थी, उसने बड़ी बड़ी परेशानियों को बड़े ही सब्र से बर्दाश्त किया। आज अल्लाह ने उसे उसके सब्र का फल दिया है। मैं तो दुआ करूँगी कि अल्लाह उसका शौहर भी जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। अल्लाह रहम करे, ये मैं किसके घर में दाखिल हो गया, कहां गया हूं मैं। तो किसी बहुत ही अमीर जादे का घर मालूम होता है, मगर मैं फटीचर बेहाल, ये मैं यहां कैसे आ गया। कहीं मेरी शामत ना आ जाए, भाग ले, पकड़ा गया ना तो जूते पड़ेंगे। कौन? माफ कीजिएगा बीबी जी, मैं गलती से यहाँ आ गया। जी आप? मैं साबिरा। साबिरा? नहीं, देखिए आप साबिरा नहीं, माफी चाहते हैं। मैं साबिरा ही हूँ, आपकी बीवी साबिरा हूँ। हाँ। आप इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? ये आप ही का घर है। हाँ? जी। मेरा? जी। हाँ। साबिरा। आप लौट आए, आप वापस आ गए, कहाँ चले गए थे आप मुझे अकेला छोड़कर? हाँ? वो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये आलिशान घर, ये और ये कीमती लिबास, ये क्या करिश्मा है? ये अल्लाह की मेहर है, उसने मुझे सब दे दिया, सब कुछ। उसने मेरा शौहर लौटा दिया। मैं रोज दुआ करती थी कि मेरा शौहर वापस आ जाए, और आज आप वापस आ गए। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ये इतनी सारी दौलत और ये इस घर, ये क्या करिश्मा है, मुझे इसका राज बताओ। मैं अभी बताती हूँ। हाँ, ये हो गया ये सब। वो राज ये है, ये तश्तरी, ये पुरानी मामूली तश्तरी। ये मामूली तश्तरी नहीं है, ये करामती तश्तरी है। करामती जी? समझा नहीं। आप जब चले गए थे
तो एक फकीर बाबा घर आए, मैंने उन्हें इसी तश्तरी में रोटी खिलाई। रोटी खाने के बाद उन्होंने इसमें दम फूका और मुझसे कहा कि अब ये तश्तरी से तुम जब चाहो रोज 100 अशर्फियां मांग सकती हो। मैंने आजमाया है। कितनी? 100 अशर्फियां रोज। 100 अशर्फियां रोज जी। ये तश्तरी मुझे दो। 100 अशर्फियां रोज। अब मैं भी सुल्तान और शहंशाहों से कम नहीं हूं। अब मैं खुद का महल खरीदूंगा। मेरे पास भी कनीजें होंगी, गुलाम होंगे, दौलत ही दौलत होगी। मैं इस करामती तश्तरी से 100 नहीं बल्कि 1,00,000 अशर्फियां मांगूंगा। अल्लाह के लिए ऐसा मत कीजिएगा, गजब हो जाएगा। चुप, काहिल औरत, हमें टोको मत। मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। मैं इस तश्तरी से अभी 1,00,000 अशर्फियां मांगूंगा, अभी। नहीं सुनिए जी, लालच। खामोश। लालच मत। खामोश। ऐ तश्तरी, हम तुझे हुक्म देते हैं कि हमारे सामने 1,00,000 अशर्फियां पेश की जाए। क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया? मैंने आपसे कहा था कि लालच मत कीजिए, लालच मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। अरे क्या कर दिया आपने? सब बर्बाद कर दिया, खाक में मिला दिया सब। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। अब आपके लालच की यही सजा है कि आप किसी करिश्मे का इंतजार ना कीजिए और मेहनत मजदूरी करके शौहर होने की जिम्मेदारी उठाइए। हनीमून के